अगर आप आरआरबी की जो फॉर्म आती है, आरआरसी या फिर आरआरबी की अप्रेंटिस की, तो अप्रेंटिस की जो फॉर्म आती है, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, उस केस के लिए क्या होता है कि आपको जो है वो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, एससी सर्टिफिकेट या फिर एसटी सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको जो है वो रिजर्वेशन ऑफ एससी या फिर एसटी सर्टिफिकेट में आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर। तो यहाँ पर अनेक्सर ये सब भी दिया रहा होता है, लेकिन आपको जो है वो फॉर्मेट जो दिया गया हुआ है मेन, उसके हिसाब से अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है, और आपको कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है। ये देख लो, एनेक्सर वन, ये जो सर्टिफिकेट है, एक पेज का ही फॉर्मेट होता है, और ऐसा ही फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है। देखोगे, और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप जो है वो स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आप जो है वो आचार प्रसाद की वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स है और अगर आप उसको सटीक सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इनके वीडियोज़ देख के आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। आप इनके ऐप पर भी जा सकते हो, आचार प्रसाद ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। इनके चैनल पर आप देखोगे तो लगभग जो है वो 4 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और इनकी जो वीडियोज़ होती है वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि काफ़ी जो है वो आपको इंसाइटफुल एजुकेशन यहाँ पे मिलता है। तो आप जो है वो इनकी वीडियोस और ऐप को एक बार जरूर देखना, नाम याद जरूर कर लो, आचार्य प्रशांत। यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक पेज का ये जो फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट है, और नीचे में जो है वो ये एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है। तो ये गुजरात के स्टूडेंट का सर्टिफिकेट है, लेकिन हर स्टेट में बन जाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट तो सेम ही होता है। तो इसमें जो है वो यहाँ पे देखोगे कि ये एससी का है, लेकिन आप अगर एसटी से बिलोंग करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। आपको जो है वो अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है। अब इसमें जो है वो आपका डेट होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, और जिस रैंक के ऑफिसर से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, जिस ऑफिस से आपने सर्टिफिकेट बनवाया है, वो मेंशन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप नीचे में देखोगे तो यहाँ मालतादार लिखा हुआ है, यानी ये सर्टिफिकेट जो है वो मालतादार ऑफिस में बना हुआ है, तो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप डिजिटली साइन करवा रहे हो तो आपका क्यूआर कोड रहेगा या फिर डिजिटली साइन लिखा रहेगा। हाथ से बनवा रहे हो तो ऑफिस का सील भी रहेगा, कई बार दोनों रहता है, तो उससे कोई भी इशू नहीं है। लेकिन आपको अपना सर्टिफिकेट ऐसे ही बनवाना है, ओके, एक पेज पे, और आपको बाद में कभी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और यही एक पेज का फॉर्मेट है। अगर आपका कोई दूसरा फॉर्मेट पे अगर पुराना सर्टिफिकेट है, तो आप जितना जल्दी हो सके एक न्यू सर्टिफिकेट बनवा लो, ताकि आप जब भी बाद में आपको फॉर्म फिलअप करना हो तो कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। ओके, आपको रिजर्वेशन कैंसिल भी हो सकता है, आपकी सीट भी जा सकती है। तो इसलिए जो है वो आप कभी भी अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो आरआरसी की, अगर आप एससी या फिर अप्रेंटिस की या फिर अदर किसी की भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एक ही फॉर्मेट है एससी और एसटी का, तो आप उस फॉर्मेट पर अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, वो आपका वैलिड रहेगा। ओके, सो अगर फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है, तो आप जो है वो मैंने इसके रिगार्डिंग बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप रेलवे की एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो, तो आप टेस्ट बुक ऐप से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप जिस भी एग्ज़ाम की चाहे यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगी, तो आप जो है वो एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, सिविल सर्विसेज, रेलवे, इंजीनियरिंग, सभी एग्जामिनेशंस की आप यहाँ पे जो है वो टेस्ट बुक ऐप पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है, तो यहाँ पे से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके लिए आपको जो है वो पास प्रो परचेस करना पड़ता है, तो आप जो है वो एक बार पास प्रो को परचेस कर लोगे तो 1 ईयर या 2 ईयर के लिए आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसकी जो है वो प्राइसिंग वैरी करती रहती है, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे देता हूँ, JBYY16। इस कूपन कोड को आप अप्लाई कर दोगे तो आपको जो है वो फ्लैट 10-20% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फिर जो है वो अपनी इसकी इस पास को परचेस करने के बाद जो है अपना अपनी तैयारी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सभी एग्जामिनेशंस के मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आप जो है वो घर बैठे अपने फ़ोन से और लैपटॉप दोनों से जो है वो अपनी एग्ज़ाम्स के जैसा ही आपको फील आएगा घर पे, या फिर आप जो है वो इसे बैठ के आराम से दे सकते हो मॉक टेस्ट सीरीज। तो आप जो है वो एक बार टेस्ट बुक आपको जरूर डाउनलोड करें और अपनी तैयारी करते रहें आरआरबी जेई के लिए, या फिर आरआरबी ग्रुप डी या फिर एएलपी, इन सभी के लिए जो है वो आपको टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो एक बार टेस्ट बुक आपको जरूर ट्राई करें, और इसका पास प्रो परचेज करते समय जो है कूपन कोड अप्लाई कर दें।